पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि बिग बैंग के बाद पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस फॉर्मेशन के प्रोसेस में पृथ्वी को कितनी सारी प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ा था, उस समय पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कैसा था, पृथ्वी पर ओशियन कैसे बना, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिल्ड हुआ और साथ ही साथ पृथ्वी का इकलौता उपग्रह जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इस चैनल पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देख लेना ताकि आगे का प्रोसेस समझने में आपको आसानी हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के प्रोसेस के बारे में, पृथ्वी पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया, प्रोटोसेल्स कैसे बिल्ड हुआ और पृथ्वी पे सबसे पहले ट्रू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और वो सेल्स क्या था। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले पृथ्वी का सरफेस बहुत ही ज्यादा गर्म और वॉल्केनिक एक्टिविटी से भरा हुआ था। वॉल्केनोस से लावा और गैसेस कंटिन्यूअसली निकल रहे थे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना के बराबर था। उस समय पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर से बना था। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस भी मौजूद थे जो आज के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग थे। साथ ही साथ ओशियन का फॉर्मेशन हुआ जो कि बहुत गर्म था और बाद में धीरे धीरे ठंडा होने लगा। सूरज से निकलने वाले एनर्जी के अलावा पृथ्वी पे बहुत सारी एनर्जी सोर्स थे जैसे लाइटनिंग, एक्टिव वोल्केनोस और रेडियो एक्टिव डिके। ये एनर्जी सोर्स केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करते थे जो कि जीवन के शुरुआत के लिए बहुत जरूरी था। मेटेरॉइड के लगातार गिरने और अर्थक्वेक की वजह से पृथ्वी का सरफेस अनस्टेबल था। ओशियंस और वाटर बॉडीज में सिंपल केमिकल्स डिसॉल्व हो रहे थे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए रिएक्ट कर रहे थे। ये प्रीमॉर्डियल सॉप कहलाते थे जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहे थे। उस समय पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं था जिस वजह से यूवी रेडिएशन डायरेक्टली पृथ्वी के सरफेस तक आता था और पृथ्वी पे जो लाइफ फॉर्म होने की शुरुआत हुई थी उसको इन्फ्लुएंस करता था। पृथ्वी के ओशियन और वाटर बॉडीज में बेसिक केमिकल्स प्रेजेंट थे जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये बेसिक केमिकल्स एनर्जी सोर्सेस जैसे लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन और वोल्केनोस के हीट से कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे थे। इन एनर्जी सोर्सेस की वजह से सिंपल केमिकल्स के बीच केमिकल रिएक्शन होने लगा। इस रिएक्शन से नए मॉलिक्यूल्स बनते गए जो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे। इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लगे जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। 1950 में साइंटिस्ट हेनरी मिलर और हारोल्ड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अर्ली अर्थ के कंडीशन को लेबोरेटरी में रिक्रिएट किया ताकि उन्हें पता चल पाए कि ये वाकई में पॉसिबल है या नहीं। उन्होंने वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को एक सील्ड फ्लक्स में रखा और उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किए। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि फ्लक्स में अमीनो एसिड और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए थे। तब जाके उन्हें भरोसा हुआ कि पृथ्वी पे ऐसे ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होंगे। ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होकर ओशियंस और वाटर बॉडीज में एक प्री मॉड्यूल सॉप बनाने लगे। इस सॉप में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे जो आगे चलकर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन होते गए तो उन्होंने लॉन्ग चेन्स बनाई जिसे पॉलीमर्स कहते हैं। ये पॉलीमर्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बनाने लगे जो कि जीवन के लिए बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं। कुछ सरफेस जैसे क्ले पार्टिकल्स ने कैटलिस्ट का काम किया जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते गए। इस सरफेस ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ने में और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद किया। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने ऐसे प्रॉपर्टीज डेवलप कर लिए जो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकती थी यानी कि वो खुद का कॉपी बना सकते थे। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स लाइफ के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल थे। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जब ओशियन में कॉन्सेंट्रेट होने लगे तो इनके इंटरेक्शन और रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ गए। अमीनो एसिड जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन होकर लॉन्ग चेन बनाने लगे जिसे पॉलीमर कहते हैं। अमीनो एसिड ने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ते हुए प्रोटीन का निर्माण किया जो कि जीवन के बहुत जरूरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर देना और केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करना। वही न्यूक्लियोटाइड जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़ते गए तो न्यूक्लियस एसिड यानी कि आरएनए और डीएनए का निर्माण किया
डीएनए और आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और लाइफ की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए जरूरी होते हैं। नेचुरल सरफेस जैसे क्ले पार्टिकल्स और मेटल सल्फाइड्स ने कैटलिस्ट का काम किया। इस सरफेस ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को जुड़ने और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनने में मदद की। फैटी एसिड और अल्कोहल जब कॉम्बाइन होते गए तो वो लिपिड्स बनाते गए। लिपिड्स ने सेल मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन किया जो सेल के अंदर और बाहर के एनवायरमेंट को सेपरेट करते गए। सिंपल सुगर्स जैसे ग्लूकोज जब कॉम्बाइन होते गए तो कार्बोहाइड्रेट बनाते गए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी स्टोर करने में और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करते गए। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड्स ने सेल्फ असेंबल होकर बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाया जो प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन्स के जैसे थे। इन मेम्ब्रेन्स ने एक इनक्लोज्ड एनवायरमेंट क्रिएट किया जिसमें फर्दर केमिकल रिएक्शन हो सके। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पहले लाइफ फॉर्म आरएनए बेस्ड था। आरएनए ने दोनों रोल प्ले किए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में और केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में। लिपिड्स जब पानी में थे तो उन्होंने सेल्फ असेंबल होकर लिपिड बाइलेयर्स बनाया। लिपिड्स बाइलेयर दो लेयर से मिलकर बनते हैं और उन्होंने छोटे छोटे बबल्स जैसे स्ट्रक्चर बनाए। लिपिड मॉलिक्यूल जब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते गए तो इस प्रोसेस का नाम मिसेल्स पड़ा। लिपिड बाइलेयर्स ने वेसिकल्स बनाया जो बबल्स जैसे थे और उन्होंने अंदर के एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से अलग किया। इन वेसल्स ने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लियस एसिड को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। इससे अंदर के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिला। इन कैप्सुलेटेड मॉलिक्यूल्स ने प्रिमिटिव मेटाबॉलिज्म को डेवलप करना शुरू किया जिसमें सिंपल केमिकल रिएक्शन से एनर्जी और मॉलिक्यूल्स बनते थे। ये मेटाबॉलिक प्रोटोसेल्स को एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड करता था जो उनकी ग्रोथ और रिप्लिकेशन के लिए जरूरी था। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स ने सेल्फ रिप्लिकेट करना शुरू किया यानी कि वो खुद का डुप्लीकेट बनाने लगे। सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने का काम किया। प्रोटोसेल्स ने न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके अपना साइज बढ़ाना शुरू किया। जब प्रोटोसेल का साइज बड़ा हो गया तो उन्होंने डिवाइड होकर दो नए प्रोटोसेल्स बनाए। प्रोटोसेल्स के मेम्ब्रेन्स फ्लेक्सिबल थे और उन्होंने अंदर के मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को अलाउ किया। इन मेम्ब्रेन्स ने डायनेमिक प्रोटोसेल्स को सरवाइव करने में और अडॉप्ट करने में हेल्प किया। आरएनए ने सेंट्रल रोल प्ले किया क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता था और केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता था। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहता है कि पहले प्रोटोसेल आरएनए बेस्ड था। ये प्रोटोसेल्स धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। उन्होंने ग्रोथ डिवीजन और रिप्लिकेशन के लिए बेटर मैकेनिज्म डेवलप किया। इवोल्यूशन के प्रोसेस ने उन प्रोटोसेल्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इफिशियंट बनाया जो कि आज के सेल्स के एंसेस्टर थे। प्रोटोसेल्स बनाने के बाद जो लिपिड बाइलेयर से बने हुए बबल्स जैसे स्ट्रक्चर थे, ये प्रोटोसेल्स अंदर के एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से अलग रखते थे और अंदर कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन होती थी। प्रोटोसेल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स फॉर्म हो चुके थे। ये मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिक और सेल्फ रिप्लिकेशन को सपोर्ट करते थे। प्रोटोसेल्स के अंदर आरएनए सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता था और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता था। धीरे धीरे डीएनए भी डेवलप होने लगा जो आरएनए से ज्यादा स्टेबल था और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म स्टोर करने में बेटर था। एंजाइमर्स जो प्रोटोसेल से बने होते थे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते गए जिस वजह से प्रोटोसेल्स के अंदर एंजाइम होने लगा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को इफिशियंट बनाते गए। प्रोटोसेल्स का सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना था जो सेलेक्टिव परमियबिलिटी रखता था। ये मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता था। प्रोटोसेल्स ने प्रिमिटिव मेटाबॉलिज्म डेवलप कर लिया था जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूट्रिएंट्स का कन्वर्जन होता था। मेटाबॉलिज्म से प्रोटोसेल्स अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी और मटेरियल लेते थे। प्रोटोसेल्स ने सेल्फ रिप्लिकेशन मैकेनिज्म डेवलप किया जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल को एक्यूरेटली कॉपी करके नए सेल्स बनाते थे। ये प्रोसेस लाइफ के कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी था। प्रोटोसेल्स धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए और उन्होंने स्पेशलाइज्ड फंक्शन डेवलप किया। ये फंक्शंस सेल्स को सर्वाइव, ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते थे। प्रोटोसेल्स इवॉल्व होकर ट्रू सेल्स बन गए जो ज्यादा स्टेबल और इफिशियंट थे। ट्रू सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन वेल डिफाइंड था। फर्स्ट ट्रू सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था। इन सेल्स में जेनेटिक मटेरियल्स फ्री फ्लोटिंग और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था। पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स ने कॉलोनीज बनाई जो स्ट्रोमेटोलिट्स कहलाते हैं। स्ट्रोमेटोलिट्स फॉसिल रिकॉर्ड्स में मिलते हैं और पहले लाइफ फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ट्रू सेल्स ने हार्श एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना सीखा और सर्वाइव करने लगा। उन्होंने एनर्जी प्रोडक्शन के नए तरीके डेवलप किए जैसे फोटोसिंथेसिस और सेमोसिंथेसिस जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट ट्रू सेल्स लाइफ के इवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट स्टेप था। इन्हीं सेल्स से आज के कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म डेवलप हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे साइंस की अगली वीडियो में। जय हिंद।